बड़ा जिद्दी बच्चा है, लगता है ये अब अपने माँ बाप के पास नहीं रहना चाहता। पर सोचो, ये बात सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से प्रणव हैं जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। प्रणव नहीं चाहिए मुझे। ये तो बहुत अजीब केस है यार। हाँ, मुझे लगता है हिंदू मैरिज एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं। नहीं नहीं, ये तो कस्टडी एक्ट में आ सकता है, लेकिन बदकिस्मती से The custody battle is not between parents. मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, but you wanted a kid. तुम मर्द लोग अपनी responsibility से बच जाते हो, और अगर उंगली होती है तो हम औरतों पर। अमेरिका में भी ऐसा एक केस हुआ था, और जजमेंट भी बच्चे के फेवर में ही हुआ था। अच्छा, लेकिन ये इंडिया है दोस्त, यहाँ पेरेंट्स का हक ज्यादा होता है अपने बच्चों। कहाँ गए थे तुम? सर, आपको नहीं लगता इस तरह का केस लड़कर आप बच्चों की पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं? मुझे भी सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं प्रणव की वजह से मैं मजबूर हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके बेटे पे क्या बीत रही है। बहुत देर हो चुकी है। I'm sorry, I'm... देखिए, प्रणव एक सेंसिटिव बच्चा है, इससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है। मैं भी नहीं चाहता कि प्रणव का हाथ उठाऊं। After all, he's my son. पर जब भी मैं उसे उस इंसान के साथ देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसकी माँ होकर कैसे भूल गई? Enough! Enough, Siddharth! क्या चाहिए? Sorry बेटा। मेरे मामा बहुत प्यार करते हैं, तुझे अलग नहीं हो सकता। नहीं, मैं अपने मामा पापा के साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। प्लीज, मैं नहीं जानती हम कितने अच्छे माँ बाप हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि प्रणव हमारा बेटा है और हम प्रणव से बहुत प्यार करते हैं। आप प्रणव को हमसे अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप प्रणव को हमसे अलग। प्रणव बेटे, तुमने देखा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मुझे अपना मामा पापा से डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। Your Honor, मेरे मुवक्किल मास्टर प्रणव की दिमागी हालत को देखकर, जिस तरह साइकियाट्रिस्ट ने भी बताया था, हमें उस बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। उसे उसके पेरेंट्स से अलग करने में ना सिर्फ उसकी भलाई है, बल्कि एक चेतावनी है उन सब पेरेंट्स की जो प्रणव जैसे ना जाने कितने मासूमों को मानसिक परेशानियों से बचाएगी। जहां एक और हमारा देश अपनी सांस्कृतिक, अपनी पारिवारिक परंपराओं के लिए जाना जाता है, वहां प्रणव जोशी का यह केस अपने देश की, समाज के बदलते चेहरे को दिखाता है। इस अदालत ने प्रणव जोशी के केस की गंभीरता को समझा, उसके हर पहलू पर विचार किया। यह अदालत प्रणव जोशी को अपने माता पिता से अलग रहने का हक देती है। क्या हुआ, क्या हुआ, देखा तुमने क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, सोचो ऐसा क्यों हुआ। दुख में डूब हर पल है, चुनी बर्बादियां दुख में डूब
बहर पल है, तुमने ये हो दिया कौन पागल है, पर्दे में कौन है कौन पागल है, छोड़ दो छोड़ दो खूनी रास्ता छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो प्यार से नाता छोड़ दो।